खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, पहले मैं आपको बताऊं, हम समाचार को समाचार को चाहे अखबार में कोई चीज़ आती थी ना, वो इक्विवेलेंट टू माँ कसम होता था कि कोई बात आप दोस्तों में बात बनी और इसने इसमें बोला नहीं ऐसा नहीं, उसने बोला क्या बात कर रहा है, ये अखबार में छपी है, अखबार में छपी है तो वो बात आपकी मान ली जाती थी या वो शर्त आप हार जाते थे। अखबार को इतना महत्वपूर्ण माना गया था, माना खुद हुआ करता था, लेकिन आज वो चीज़ें ऐसी नहीं है। आपका अपना खुद का चैनल है, हर एक आदमी के पास जिसके पास मोबाइल है वो खुद के चैनल का मालिक बना हुआ है। जैसे उसके मन में विचार हैं, कुविचार हैं, उस हिसाब से उसने रिफ्लेक्ट कर दिए तो दुनिया में आपने फेंक दिए। लेकिन जिस तरह का माहौल अभी सरकार ने जिस तरह के निर्णय लिए देश हित के लिए, चाहे वो पिछले और तमाम निर्णय हों, आगे के निर्णय हों या आने वाले निर्णय हों, उसका विरोध करने का एकमात्र तरीका है, इतने समझदार लोगों को ये कहना मैं चाहता हूँ, उसका एकमात्र तरीका है वो है चुनाव। इतने सालों के परिवर्तन के बाद आपने इस सरकार को चुना है, वो भी जुगाड़ से नहीं, वो भी राजनीति से नहीं, वो भी पूर्ण बहुमत से आपने उस सरकार को चुना है, तो आपको चुपचाप उस सरकार का साथ भी देना चाहिए। जिस शिद्दत से लोगों ने वोट दिया, उसी शिद्दत से उन तमाम करोड़ों करोड़ भारतीयों को मैं कहना चाहता हूँ जो देश से प्यार करते हैं या जिन लोगों ने इस सरकार को बनाया है, वो लोगों को भी अब सड़क पे आना चाहिए। वरना क्या होता है, दो चार गंदे लोगों की वजह से लगता है देश में ऐसे ही हो रहा है, दो चार इस तरह की हरकतें करने से, नुकसान करने से, बसों को जलाने से, ये तो कोई नियम नहीं है, ऐसा भी तो घटना कहीं ना कहीं आप अपने ही देश का नुकसान कर रहे हो, आप अपने देश के लिए डबल घातक हो। एक तो उस तरह से आप नेगेटिविटी फैला रहे हो, दूसरी बात आप देश की संपत्ति को नुकसान कर रहे हो। तो मुझे लगता है ये सब कानून जब बन रहे हैं, जब विश्व में इतिहास रचा ही जाने वाला है, तो मैं अमित शाह जी से, मोदी जी से निवेदन करूँगा कि चलते चलते ऐसे दो चार नियम भी रोज पारित करते रहें जो देश हित में हो। एक तरफ आप देश की बात कर रहे हो और मैं भारत का नागरिक हूँ की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप आग लगा रहे हो, मतलब आप कितना बड़ा अपराध कर रहे हो। विदेशों में तो इसके लिए तुरंत सजा हो जाती है, तो लेकिन चूंकि यहाँ ये मजबूरी है लोकतंत्र की कि झेलना पड़ता है, तो कोई बात नहीं हो रही। कुछ बॉलीवुड के लोग भी प्रदर्शनकारियों का सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, उनके साथ बैठे रहे। देखो, हर चीज़ के लिए ना जड़ का होना जरूरी है, चाहे वो एक पत्रकार के रूप में हो, चाहे कलाकार के रूप में हो, चाहे देश के सेवक होने के रूप में हो, चाहे देश के प्रति आस्था रखने के रूप में हो, आपकी जड़ें होनी चाहिए। जब जड़ें नहीं रहेंगी तो कोई भी विचार आपको हिला देगा, डुला देगा, गिरा देगा, आप झूठी प्रतिष्ठा के लिए ही सही। चूँकि हर तरह के लोगों का राज है ना, भारत जैसा मुक्ति कहीं है ही नहीं। भारत मतलब हम विदेशों में भी जाते हैं तो उन लोगों को गर्व होता है, वो अपने नागरिकता पे, अपनी सिटीजनशिप पे घमंड करते हैं, उन्हें हमारे यहाँ वो बात ही नहीं। तो हमें कितना ये बात किसी उस व्यक्ति के लिए तो कही नहीं है, जब देश के गृह मंत्री अमित शाह पार्लियामेंट में आपको ये बोल रहे हैं कि इस बिल का किसी भी देश के नागरिक से कोई संबंध नहीं है, तो अरे तो मूर्खो, इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो आप लोग। उसमें ये बोला जा रहा है कि इस बिल का हमारे देश के मुसलमानों से कोई संबंध नहीं है, तो अरे मूर्ख लोगो, इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो। बदले में जो राजनीति के माफिया लोग हैं, चाहे वो वोट बैंक की राजनीति से आगे बढ़ रहे हो, चाहे जाति की राजनीति से आगे बढ़ रहे हो, चाहे धर्म की राजनीति से आगे बढ़ रहे हो, उन सबकी रोटियां बंद हो जाएंगी, इसलिए ऐसा माहौल चलाया जा रहा है। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो इस सरकार ने या जिस तरह का परफॉर्मेंस, जब किसी सरकार को आप 70 साल तक टिके रहने देते हो, अभी तो 5 ही हुए हैं, अभी तो 65 और हैं, अभी तो बहुत परिवर्तन भारत में देखने को मिलेंगे, और एक दिन ज़रूर आएगा कि हम सब सीना चौड़ा करके बोलेंगे कि हमें भारतीय होने पर गर्व है, हमें अपने देश के साथ होने पर गर्व है।